ये मामला था राम गोपाल है रामनगर टवाणा से, इनका कोई दोस्त था पुराना, उसने एक FIR दर्ज कराई थी। वही पिछले 2017 से लेकर 2020 तक पासपोर्ट के नाम पे बनवाने के विदेश भेजने के नाम पे राजेश कुमार ने उसे समथिंग 44 लाख रुपए के करीब थोड़े थोड़े करके ले लिए थे 2020 तक। उसके बाद ये पैसे मांगता रहा और फिर कोरोना वगैरह का बहाना बना के टालता रहा, और अब पैसे देने से इसको मना कर गया, ना पासपोर्ट बनवाया ना विदेश भेजे। तो इसमें हमने कानूनी राय लेने के बाद में 420 और 406 IPC के तहत पर्चा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया कल और आज अदालत में पेश किया। तो बाकी अभी तफ्तीश पूरी नहीं हुई है, जैसे ही तफ्तीश में कोई नए तथ्य आएंगे आपको बता दिया। नहीं अभी तो रिमांड नहीं है, अभी तो वैसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तफ्तीश पेंडिंग है, उसको गिरफ्तार कर लिया। रिकवरी 50,000 रुपये रिकवरी हुई। ये मामला था राम गोपाल है रामनगर टवाणा से, इनका कोई दोस्त था पुराना, उसने एक FIR दर्ज कराई थी। वही पिछले 2017 से लेकर 2020 तक पासपोर्ट के नाम पे बनवाने के विदेश भेजने के नाम पे राजेश कुमार ने उसे समथिंग 44 लाख रुपए के करीब थोड़े थोड़े करके ले लिए थे 2020 तक। उसके बाद ये पैसे मांगता रहा और फिर कोरोना वगैरह का बहाना बना के टालता रहा, और अब पैसे देने से इसको मना कर गया, ना पासपोर्ट बनवाया ना विदेश भेजे। किन धारा के तहत मामला? तो इसमें हमने कानूनी राय लेने के बाद में 420 और 406 IPC के तहत पर्चा दर्ज करके उसको गिरफ्तार किया कल और आज अदालत में पेश किया। तो बाकी अभी तफ्तीश पूरी नहीं हुई है, जैसे ही तफ्तीश में कोई नए तथ्य आएंगे आपको बता दिया। नहीं अभी तो रिमांड नहीं है, अभी तो वैसे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के तफ्तीश पेंडिंग है, उसको गिरफ्तार कर लिया। रिकवरी 50,000 रुपये रिकवरी हुई है।